न्यूयॉर्क। मर्दाना कवत में इजाफे की गोली वियाग्रा बेशुमार साइड इफेक्ट्स के बावजूद गुज़िश्ता 20 साल से दुनिया भर में आम इस्तेमाल की जा रही है। अब तक हजारों लोग उसके बावजूद अपने गर्दन से हाथ धो बैठे हैं। अब साइंसदान उस का एक ऐसा मुतबादल तैयार करने जा रहे हैं जो न सिर्फ उन मजरासरात से पाक होगा बल्कि वियाग्रा से कई गुना ज्यादा ताकतवर भी होगा। बरतानवी अखबार डेली मील की रिपोर्ट के मुताबिक वियाग्रा के बरक्स ये दवा खाने की नहीं बल्कि ये जल्द के जरिए जिस्म में दाखिल की जाएगी और चंद मिनट में ही अपना असर दिखाना शुरू कर देगी, जो 10 घंटे तक जिस्म में मौजूद रहेगा। उसके बरक्स वियाग्रा का असर खाने के 30 मिनट बाद शुरू होता है और निस्बतन जल्द खत्म हो जाता है, जबकि हर 3 में से 1 मर्द पर वियाग्रा का कोई असर ही नहीं होता। उस नई दवा का नाम वियाग्रा प्लास्टर है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी खरीदार को एक नमी सी पिटी दी जाएगी जिसे वो अपने बाजू या पेट पर लगाएगा। उस पिटी के जरिए दवा उसके जिस्म में दाखिल होगी। उस तरह दवा हजम होने से पैदा होने वाले सिर दर्द, दर्शिका, बदहजमी और पठों के दर्द जैसे मसाइल से भी छुटकारा मिलेगा जो वियाग्रा को खाने से पेश आते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वियाग्रा का ये मुतबादल सऊदी अरब की शाह अब्दुलरजीज यूनिवर्सिटी और मिस्र की काहिरा यूनिवर्सिटी के माहिरीन मुश्तरका तौर पर तैयार कर रहे हैं, जिन्होंने उसके इब्तदाई तजर्बात चूहों पर किए जो कामयाब रहे।